नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक डीआईवाई पे। और आज के सेशन में हम स्प्रिंग क्लाउड सर्विस रजिस्ट्री विथ यूरेका नेमिंग सर्वर देखेंगे। और इसके साथ ही हमने हर बार की तरह की मोमेंट्स निकाले हैं, तो वो इस तरह से हैं। और आप चाहें तो सीधा उन की मोमेंट्स पे जाके भी आप अपनी स्टडी चालू कर सकते हैं, ठीक है? तो और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन के लेफ्ट साइड राइट साइड में हमने सर्विसेज शो की हैं। एंड और ये जो हमारा है, ये हमारा यूज़र है, हमारा यूज़र या इन सर्विसेज का कस्टमर है। और राइट साइड में हमारी सर्विसेज हैं। और इस कस्टमर को अभी ये याद रखना है कि कौन सी सर्विस किस पोर्ट पे है और उसका क्या आईपी है, तो वो सारा इसको याद रखना पड़ रहा है। बेचारे को इतना कुछ याद करना पड़ रहा है, इसीलिए दुखी है। अभी हमने क्या किया कि अभी तक की सारे प्रोग्राम्स में हमने हमको यूज़र को सीधा सीधा वहीं से पोर्ट याद करके ही देना पड़ता था। अब हम कह रहे हैं कि चलिए इसकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं, ये बीच में एक रजिस्टर बना के। ये जो रजिस्टर है, ये क्या करेगा? ये करेगा सर्विस नेम को, उसके पोर्ट नंबर और कितने इंस्टेंसेस हैं वो उसमें मैप करके उसको बता देगा। तो यहाँ पे एक यूआई हम देने वाले हैं। हम क्या मतलब, यहाँ पे यूआई हमको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा जब जब हम यूरेका को या कंसोल या जू कीपर को यहाँ ऐड करेंगे, तो ठीक है, तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। तो S1 जो है सर्विस, उसके तीन पोर्ट्स हैं, 012, ये 8081 हो सकता है, 8080 हो सकता है, उस तरह से। उसी तरह से S2 है, उसके भी तीन पोर्ट्स हैं, S3 के दो पोर्ट्स हैं। तो वही हमारा रजिस्टर कर रहा है। और जैसा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में नॉर्मली होता भी है, एक रजिस्टर क्या है, एक रजिस्टर टेलीफोन डायरेक्टरी हो सकता है। और ये सारे नीचे जो हम बता रहे हैं, ये सारे आपको प्रोवाइडर्स हैं जो नेमिंग सर्वर या जो इस तरह की रजिस्ट्री, नेमिंग रजिस्ट्री, ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी जो हमारा ये यूज़र है, इसको खुद कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, इसको सिर्फ नेमिंग सर्वर का एड्रेस पता होना चाहिए। वो नेमिंग सर्वर का एड्रेस देगा और उसको यूआई पे दिख जाएगा कि कौन सी सर्विस किस पोर्ट पे रन कर रही है और एक्टिव है, तो जितने भी वाइटल्स होते हैं वो उसको वहाँ पे दिख जाएंगे। अब ये भाई कह रहा है कि चलो ठीक है, थोड़ा तो रीजनेबल मुझे मिल रहा है, कि पहले जैसे कि मुझे हर एक चीज़ याद रखनी पड़ती थी, उसकी जगह आप मुझे रजिस्टर बना के दे रहे हैं ताकि मैं उस रजिस्टर को देख के आप इजीली वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, उस सर्विस जो जिस सर्विस की मुझे तलाश है वहाँ तक पहुँच सकता हूँ और अपने उस सर्विस से अपना काम करवा सकता हूँ। तो ये भाई ये कह रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा जो भाई है ये खुश हो गया इसी चीज़ को लेके। अभी जो हमारा सर्वर है, नेमिंग सर्वर, वो कह रहा है कि अगर तुम मुझे और कैपेबल करते हो, आप मुझे और फंक्शनैलिटीज ऐड करते हो, तो मैं आपको और बेटर सर्व कर सकता हूँ। तो ये कह रहा है कि अगर आप मुझे एम्पावर करते हो, एम्पावर करना मतलब और ज़्यादा हथियार देना, हथियार बोले तो और ज़्यादा फीचर्स देना, तो API बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हम API गेटवे की तरफ जाने का बता रहे हैं कि अपना जो API गेटवे है वो क्या करता है, उसमें नेमिंग सर्वर होता है और उसके साथ साथ में API गेटवे होता है जो कि राउटिंग, लोड बैलेंसिंग और इस तरह के जो क्रॉस कटिंग कंसर्न्स हैं जो सारी सर्विसेज को करने होते हैं, वो API गेटवे अपने ऊपर ले लेता है और वो सारा कुछ वो करके आगे रिक्वेस्ट को पास करता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमारा सर्वर कह रहा है कि आप अगर मेरे को ये राउटिंग, लोड बैलेंसिंग ये सब दे दोगे तो मैं आपको और अच्छे से बेटर सर्व कर पाऊंगा। तो यही हमने लिखने की कोशिश की है यहाँ पे एक छोटे से एनिमेशन के साथ, यही बताने की कोशिश की है। और इतना सब मिलने के बाद हमारा जो यूज़र है वो खुश हो गया है।
आप उसके चेहरे पे स्माइल देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम यही फर्स्ट स्टेप यानी कि नेमिंग रजिस्ट्री सर्वर कैसे बनाते हैं और एक क्लाइंट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसके लिए, वही सब हम देखने वाले हैं। और उसके लिए हमने ये लिंक रेफ़र किया है जो कि spring.io का गाइड है, यूज़र गाइड है फॉर रजिस्ट्रिंग सर्वर, स्प्रिंग क्लाउड रजिस्ट्रिंग सर्वर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी अभी अपन ने जो देखा ये बिल्ड ग्रेडल फाइल है उसके लिए, यूरेका सर्वर के लिए, ठीक है। और डिपेंडेंसी जो हमको ऐड करनी है वो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये है स्प्रिंग क्लाउड, नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर, और यूरेका सर्वर यूरेका क्लाइंट जो है ये अपना क्लाइंट में हमको क्लाइंट के पॉम में या क्लाइंट के ग्रेडल में ऐड करना पड़ेगा। ये सब हम अभी जब कोड दिखाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा हमको एनोटेशंस डालनी पड़ेगी, एट इनेबल यूरेका सर्वर डालना पड़ेगा हमारी जो एप्लीकेशन क्लास है उसके ऊपर, और उसके अलावा हमको कुछ प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज भी सेट करनी पड़ेगी। ये हम आपको रिविजिट जब हम एक्चुअल में प्रॉपर्टीज सेट करेंगे और सर्वर सेटअप करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि किसका क्या यूज़ है या क्यों की है यहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ नीचे अब ये जो शो कर रहा है ये अपना डिस्कवरी क्लाइंट, इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट का काम है, यानी कि क्लाइंट का सेटअप बता रहा है। तो उसको करने के दो तरीके होते हैं, या तो ये बता रहा है जैसे ऑटो वायर करके, डिस्कवरी क्लाइंट को ऑटो वायर करके, और गेट इंस्टेंस में अपन एप्लीकेशन नेम पास कर सकते हैं। इस तरह से भी हम उसको डिस्कवरी क्लाइंट को रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर नेमिंग रजिस्टर में, नेमिंग सर्वर में। और यही है हमारा आज का सेशन, और एंड में अंत में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कॉल भी करवा सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमारा जो सर्वर था उसका जो सर्वर प्रोजेक्ट था वो देखा हमने, अभी हम उसकी डिपेंडेंसीज देख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर, ये डिपेंडेंसी हमको ऐड करनी पड़ेगी अपने पॉम में। और इसके अलावा क्योंकि ये क्लाउड का है, तो अगर आपको पिछली बार का याद हो तो जब क्लाउड कॉन्फ़िग किया था तब भी हमने डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सेक्शन ऐड किया था, तो उसी तरह से डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सेक्शन हम यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे भी जैसा आप देख सकते हैं उसका वर्जन देना पड़ेगा, और वर्जन को हमने ऊपर डिफाइन किया है जहाँ पे हमने जावा वर्जन रहता है, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं लाइन नंबर 18 के अंदर लेटेस्ट वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं 2020.0.2, ठीक है। तो ये अपनी मेन कॉन्फ़िगरेशंस है। अभी हम क्योंकि ये हमारा यूरेका सर्वर है, नेमिंग सर्वर है, तो नेमिंग सर्वर के लिए हम एप्लीकेशन क्लास को खोला है हमने। ये एप्लीकेशन क्लास कहलाती है स्प्रिंग बूट में, एप्लीकेशन क्लास को खोला है। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सर्वर सेटअप के लिए हम लोग इस बार यैमल यूज़ करने वाले हैं, एप्लीकेशन यैमल यूज़ करने वाले हैं डॉट प्रॉपर्टीज़ की जगह। यैमल इसलिए यूज़ करना चाहिए, यैमल बेटर है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर करता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि ये ट्री स्ट्रक्चर में, अभी हम दिखाएंगे कैसे, लेकिन ये ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में वैल्यूज़ को और की वैल्यूज़ को स्टोर करता है, ठीक है। तो वो यैमल की प्रॉपर्टीज होती है। अभी हम देखेंगे कि हमको क्या सर्वर सेटअप करने जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि क्या हमको एनोटेशन ऐड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम यूरेका सर्वर यहाँ पे दिखा हुआ है, इनेबल यूरेका सर्वर करेंगे क्योंकि हम यूरेका नेटफ्लिक्स यूरेका ले रहे हैं हम नेमिंग सर्वर, तो हमको ये डिपेंडेंसी यहाँ पे हमने ये क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो यही किया है हमने यहाँ पे, हम अपने रेफरेंस मटेरियल में भी चेक कर लेते हैं वापस। तो जैसा कि आपने देखा ये कॉन्फ़िगरेशंस हम डिस्कस करने वाले थे। तो नॉर्मली क्या होता है, जो नेमिंग सर्वर्स होते हैं वो 8761 के ऊपर ही रन होते हैं, डिफ़ॉल्ट वो उनका डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। हमने दोनों को रेफरेंस को और अपने प्लेग्राउंड आई मीन अपने आइडिया आईडी को साथ में खोल दिया है स्क्रीन में एक साथ,
और हमारा पोर्ट जो रहेगा वो 8761 रहेगा। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं सर्वर, और सर्वर का सर्वर अपना रूट हो गया और उसका किड हो गया पोर्ट, तो इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप यूरेका क्लाइंट रजिस्टर विथ यूरेका। अभी क्या होता है कि अगर हम ये रजिस्टर विथ यूरेका ट्रू रखते हैं या इसको नहीं देते तो डिफॉल्ट ट्रू होता है। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो ये सर्वर है ये खुद भी खुद से ही, मतलब खुद सर्वर की भी एंट्री होगी उस जो टेबल हम रजिस्टर मेंटेन करने जा रहे हैं उसके अंदर, तो वो ऐसा ना करे उसके लिए हमको उसको फॉल्स बोलना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यूरेका क्लाइंट रजिस्टर विथ यूरेका और फैच रजिस्ट्री, ये दो अलग-अलग बच्चे थे यूरेका क्लाइंट के, तो इस तरह से उसको करना पड़ता है। तो यही हमने वहाँ पे किया था। और इसी के साथ हम यूरेका सर्वर की जो लॉगिंग है वो लॉगिंग हम यहाँ पे हमने ऑफ किया है, उसके लिए यूरेका की लॉगिंग ऑफ किया है, और लॉगिंग लेवल ऑफ किया है, और डिस्कवरी के लिए भी सेम ऑफ किया है। तो वही सब हमने किया है। अभी हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को और देख रहे हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रेफरेंस में इसने रेफर की है इनेबल डिसेबल करने के लिए। तो यहाँ पे इतना ही करना होगा हमको। और चलिए हमारा जो रजिस्टर है, हमारा जो नेमिंग सर्वर है, इसको नेमिंग सर्वर बोलते हैं बेसिकली इस रजिस्टर को या इस डायरेक्टरी को। तो ये हमारी रजिस्टर तैयार हो गया है। अभी आप देखेंगे यूआई कितना अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स यूआई इसने दे दिया है बना के। और ये हमारा एक एग्जिस्टिंग टाइम लाइफ वाला प्रोजेक्ट है, जो अगर आप हमको फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा हमने ये भी प्रोजेक्ट शेयर किया था, पहले वीडियो शेयर किया था। तो अभी हम इसको अपना डिस्कवरी क्लाइंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आप इसको राइट लेफ्ट में सेट करके रेफरेंस के साथ शो करते हैं आपको कि इस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग सर्विस को हम डिस्कवरी क्लाइंट बनाने जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसकी एंट्री हम उस रजिस्टर में करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो वही अभी देखने वाले हैं आप। हम इसको साइड बाय साइड खोल देते हैं। ओके, अभी सब ठीक है। अब यहाँ से हम इजीली उसको लेफ्ट से रेफर करके राइट में लिख सकते हैं, तो वही हम करने जा रहे हैं। पॉम डॉट एक्स एम एल में क्या करना है, पॉम डॉट एक्स एम एल में एक चीज तो आप नोट ही कर लीजिए। ओके, ये हमारा ग्रेडल प्रोजेक्ट है, तो ग्रेडल में हमको डिपेंडेंसीज जो ये सेक्शन दिख रहा है लाइन नंबर 21 ऑनवर्ड्स, इसमें हमको यूरेका क्लाइंट ये जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑग स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट क्लाउड, और ये जो एंट्री है ये हमको ऐड करनी पड़ेगी, यूरेका क्लाइंट उसकी एंट्री ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए ऑर्ग स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट क्लाउड, ठीक है। और नाम जो है वो स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट है, ये इसका नाम है डिपेंडेंसी का, तो ये भी हमको ऐड करना पड़ेगा। स्टार्टर डिपेंडेंसी है तो इसका मतलब इसकी जो इंटरनल जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो ऑटो कॉन्फिगर जब स्प्रिंग करेगा, स्प्रिंग बूट जब ऑटो कॉन्फिगर करेगा तो उस टाइम में वो इसकी इंटरनल जो भी कुछ चाहिए वो स्प्रिंग खुद ही उसको लोड कर लेगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे होने जा रहा है। अभी हम इसको बिल्ड करते हैं और देखते हैं, बिल्ड करके रिस्टार्ट करके देखते हैं क्या कुछ होता है। ओके, लेफ्ट साइड में देखते हैं क्या क्या करना है क्लाइंट के लिए। तो ये बोल रहा है कि क्लाइंट के लिए सबसे मेन बात है कि उसका जो ये नेमिंग सर्वर जो होता है, जैसा नाम ही बता रहा है कि ये नेम से ही आइडेंटिफाई करता है, तो जो कोई भी सर्विस हमने बनाई है उसका कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए, कुछ आइडेंटिफाइबल नेम होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए, ठीक है। तभी वो उसको उसके इंस्टेंसेस के साथ मैप कर पाएगा रजिस्ट्री में नेमिंग सर्वर के अंदर, ठीक है। तो वही ये बता रहा है। और इस केस में हमने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज ली थी, तो यामल तो हमने बता ही दिया आपको कैसे करना है। तो इस केस में हम प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टीज ही रहने देंगे, और यहाँ पे हम इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट करेंगे जैसा इसने यहाँ पे बताया है लेफ्ट साइड में,
जो अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज है। ओके, उससे पहले ग्रेडल में दो चीज़ें हम मिस हो गई हैं, तो वो हम करेंगे। ग्रेडल में हमने डिपेंडेंसीज तो ऐड कर दी, पर डिपेंडेंसी के साथ हमको डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सेक्शन भी ऐड करना पड़ेगा। जैसा कि आपको याद होगा, जब भी हम अभी स्प्रिंग बूट के अलावा जब स्प्रिंग क्लाउड की डिपेंडेंसीज ऐड करने जाते हैं, तो हमको स्प्रिंग क्लाउड के फीचर्स को ऐड करने के लिए हमको यहाँ डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में इम्पोर्ट्स ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो वही हम करने जा रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप, ये बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे हम वर्जन भी दे देंगे, क्लाउड डिपेंडेंसीज और स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग क्लाउड डिपेंडेंसीज, और इसमें हमको वर्जन नंबर देना पड़ेगा, तो वह हम कोलन लगा के वर्जन, स्प्रिंग क्लाउड वर्जन दे रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि वर्जन दिया है, तो जैसा कि हमने उधर भी बताया था आपको, पॉम में भी हमने प्रॉपर्टीज ऐड की थी, जिसमें जावा और ये था। यहाँ पे ग्रेडल में ईएक्सटी ऐड करना पड़ेगा। ईएक्सटी में हमको सेट फंक्शन रहेगा, उसको कॉल करके, और उसके अंदर जो हमने नाम दिया है नीचे, या जो नाम हम यूज़ कर रहे हैं, उसी नाम से हमको यहाँ पे उसको डिफाइन करना पड़ेगा। और जैसा कि वहाँ पे हमने बताया था, पॉम में भी 2020.o.2 था, तो सेम हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, 2020.o.2, 0.0.0.2, सो वो है, हमने कॉपी कर लिया। अभी इसको स्टार्ट किया है, कुछ तो ग्रेडल बिल्ड में इशू आया है, जो हर बार कुछ न कुछ तो आता ही है। अभी इस बार लगता है कि हमने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, टाइपो हुआ है, तो टाइपो चेक करते हैं क्या टाइपो है। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों सेम होना चाहिए, एक्सटी में जो दिया था और यहाँ पे जो है, तो वो अलग था, उसी वजह से ये इशू आया था। अभी हम ग्रेडल बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड हो गया सक्सेसफुल, अभी बिल्ड सक्सेसफुल हो गया है, अभी देखते हैं आगे क्या करना है। तो बिल्ड सक्सेसफुल होने के बाद हमारा, अब हमको इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट करना था, तो वही हम करने जा रहे हैं। तो हमने एनोटेशन ऐड किया एट इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट, ये ऐड करते ही यहाँ पे हमको ये हमने डिस्कवरी क्लाइंट ऐड किया, और यहाँ पे हमको पहले, जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का नाम नहीं है, तो वो हमको ऐड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन नेम हो जाएगा spring.application.name, और इसमें हम इक्वल टू दे देंगे, थाइम लीफ एग्जाम्पल है तो इसी के नाम से दे देते हैं, थाइम लीफ मोंगो एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमने दिया। इसके अलावा हमारा सर्वर पोर्ट 8089 पे है, बाकी सब तो एग्जिस्टिंग ही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो चल ही रहा था पहले से। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है जो हमको देखनी होगी, और इसी के साथ अब जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, मतलब इस सर्वर को स्टार्ट करेंगे, इसका जो एम्बेडेड सर्वर है उसको स्टार्ट करेंगे 8089 पे, तब आप देखिएगा कि जो हमारा रजिस्ट्री है उसमें कैसे एंट्री शो करता है वो। ठीक है, तो चलिए दोनों को अब करते हैं। इसका जो ऑर्डर रहेगा सर्विसेज को स्टार्ट करने का, हमारा जो नेमिंग सर्वर है वो पहले स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, उस और जब वो अप हो जाता है, उसके बाद हमको अपना अपनी जो दूसरी सर्विसेज है वो स्टार्ट करनी होगी। आप पूछेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो, क्योंकि अब डिस्कवरी क्लाइंट है तो वो जैसे ही सर्वर बिल्ड करेगा, क्लाइंट वाला अगर आप पहले चालू कर देंगे तो वो बिल्ड करने के बाद उसको रजिस्टर करने की कोशिश करेगा, और उसके लिए उसको रजिस्टर मिलेगा ही नहीं, तो वो एरर थ्रो कर देगा कि भैया मेरे को तुम्हारा रजिस्टर नहीं मिल रहा है, कहाँ पे करूँ इसको रजिस्टर। ठीक है, तो ऐसा बोल के वो एक्सेप्शन दे देगा कंसोल के अंदर। ठीक है, हो गया, अभी दोनों सर्वर अप हो गए, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो यूरेका सर्वर है वो 8761 पे है, और जो क्लाइंट है वो 8090 पे है। अभी दोनों अप हो रहा है, दोनों अप हो चुके हैं, और इसी के साथ हम एक बार आपको पहली झांकी दिखा देते हैं यूआई पे।
हमारा जो नेमिंग सर्वर है, पहला जो रजिस्टर हमने बनाया है, वो रजिस्टर कैसा दिखेगा वो अभी आपको दिखा देते हैं। हो सकता है आपने दूसरे ट्यूटोरियल्स में भी देखा हो, तो हम भी आपको इस सेशन में हम पहली बार आपको दिखा देते हैं कैसा है। तो ये हमने किया लोकल हॉस्ट 8761, क्रोम हमारा चालू है, और ये रही हमारी रजिस्टर, ये रहा हमारा रजिस्टर। इसमें क्या क्या दिखा रहा है? एप्लीकेशन बता रहा है, स्टेटस बता रहा है, कितने पोर्ट पे रन कर रहा है वो बता रहा है, और कितने इंस्टेंसेस है वो भी बता रहा है। अभी क्योंकि एक ही इंस्टेंस है तो यहाँ पे वन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और अभी हम उसको यहाँ पे हमने देखा 8090 पे रन कर रहा है, तो उसको रन करके भी दिखा देते हैं। अभी इसके साथ ही हमने एक काम और किया है बीच में, जो बीच वाला आप विंडो देख पा रहे हैं, इसमें हमने हमारा एक और सर्विस थी, जो उसका भी हमने वीडियो बनाया था यहाँ पहले, स्प्रिंग मोंगो क्रड जो सर्विस थी वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है, और उसके साथ हमने यूरेका क्लाइंट सर्विस यूआरएल डिफॉल्ट जोन भी ऐड किया है, ठीक है। तो जो बीच वाला सेक्शन था डिफॉल्ट जोन वाला, उसके लिए हमको ये यूरेका क्लाइंट सर्विस यूआरएल डिफॉल्ट जोन देना पड़ता है, तो आप चाहें तो वहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके सर्विस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो लेफ्ट मोस्ट में जो है हमारा यूरेका नेमिंग सर्वर वो स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट होगा, और इधर राइट मोस्ट में हमने अपना थाइम लीफ वाला जो था प्रोजेक्ट वो चलाया, टाइम लीफ वाली क्लाइंट को स्टार्ट किया है, वो स्टार्ट होगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सिस्टम थोड़ा पुराना है, और नई अपडेट्स एप्पल की नई अपडेट्स आने के बाद ये सिस्टम थोड़ा स्लो भी हो गया है, तो वही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो अभी सर्वर स्टार्ट हो रहा है हमारा, नेमिंग रजिस्ट्री जो है वो चालू हो रही, नेमिंग सर्वर अप हो रहा है, और इधर राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी हमारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, और हमारा टाइम लीफ वाला जो सर्विस है वो भी अप होने जा रहा है, ठीक है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कितना समय इसको लगा है, 13 सेकेंड इसको लग रहे हैं ग्रेडल को स्टार्ट होने में, अभी तक लगे हैं और आगे लग रहा है टाइम, तो ये होने जा रहा है। एक बार ये अप होता है, फिर हम बीच वाला जो स्प्रिंग मोंगो क्रड है इसको भी अलग अलग पोर्ट्स पे भी स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। हमने क्या किया था, अलग अलग पोर्ट पे स्टार्ट करने के लिए हमने एक तो यहाँ पे, हाँ आप एक तो अपना प्रॉपर्टी फाइल में हमने पोर्ट डिफाइन कर दिया, इसको अगर हमको ओवरराइड करना है कि भाई 8090 पे ना चले और किसी पोर्ट पे चले, तो वो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर चलाते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट पे दे सकते हैं -D सर्वर डॉट पोर्ट। अगर यहाँ पे आइडिया में चलाते हैं तो हम रन कॉन्फ़िगरेशन में जाके VM आर्ग्यूमेंट में हम दे सकते हैं पोर्ट सेम -D सर्वर डॉट पोर्ट, ठीक है, इक्वल टू हम जो भी पोर्ट हमको देना है वो दे सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पे रजिस्ट्री को चेक करते हैं, अपने अपना जो रजिस्टर है उसको चेक करते हैं, 8761 के ऊपर, 8761 पे चल रहा है वो, तो हम उसको देखते हैं 8761, हाँ 8761 पे ही है। अभी उसको हिट करके देखते हैं, सर्वर अप हुआ है, और इसी के साथ ये लोड हो रहा है। हाँ हमारा सर्वर अप हो गया है, अभी देख सकते हैं कुछ इंस्टेंस नहीं है क्योंकि अभी भी वो स्टार्ट हुआ नहीं है, जो क्लाइंट नहीं है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इस तरह से हमको खाली टेबल दिख जाएगी, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक सर्वर अप होता है, तब तक डिस्कवरी क्लाइंट का सर्वर जो है वो अप होता है तब तक, एम्बेडेड सर्वर टॉमकैट का, तो वही हो रहा है, थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा हमारे साथ, थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको, तो प्रतीक्षा करते हैं।
एक्चुअल में होता क्या है कि जब इतने सारे सर्वर आप एक साथ चलाएंगे ना, तो आपका भी सिस्टम अगर थोड़ा पुराना है, थोड़ा पुराना इन द सेंस अगर आपने 2015-16 में भी लिया होगा, तो वो सिस्टम उस टाइम में जो आए थे वो सारे सिस्टम्स 4-5 सर्विसेज के बाद तो वो स्लो पड़ ही जाएंगे। ठीक है, तो हमने एटमोस्ट यहाँ पे 7 या 8 सर्विसेज एक साथ चला के देखी है, तब तक वो ये चलता है। अभी देखिए 2 सर्विसेज तो हम चला रहे हैं, और यहाँ पे बीच वाली स्प्रिंग मोंगो क्रड, इसकी 3 सर्विसेज हम अप करेंगे, 3 एम्बेडेड सर्वर्स हम अप करेंगे, तो वो भी देखेंगे। तब तक अप होने दीजिए इसको। ये डिफॉल्ट जोन जो है, ये डिफॉल्ट जोन जब हम AWS या क्लाउड में इसको डिप्लॉय करते हैं, तब ये ज़्यादा इफेक्टिव, मतलब वहाँ पे इसका ज़्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि AWS में हमको जोन वगैरह बताना पड़ता है, तो ये उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो अभी तक हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है सर्वर, मतलब डिस्कवरी क्लाइंट वाला जो वाली जो सर्विस है वो अपनी हुई है, तो उसी की वेट कर रहे हैं हम। हाँ, तो आप देख सकते हैं अभी ये सर्वर अप हो गया है, और डिस्कवरी क्लाइंट भी यहाँ रजिस्टर हो गई है 8090 8089 पोर्ट पे। और जो बीच वाली स्प्रिंग मोंगो वाली है, ये हम 8090 पे करेंगे। अभी इसको भी स्टार्ट किया है डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो देखते हैं कितना टाइम ये इसको भी लगता है। आई थिंक ये तो जल्दी हो जाएगी। अच्छा, उसको भी टाइम ज़्यादा इसलिए भी लगा था क्योंकि नेमिंग सर्वर स्टार्ट हो रहा था, और होते होते में ही हमने उसको भी डिस्कवरी क्लाइंट को भी स्टार्ट कर दिया था। अभी देखिए ये कितना जल्दी हो गया है, तो वही चीज़ है। तो एक एक करके हमने दोनों सर्विसेज को स्टार्ट किया है, तो ये जैसा आप देख सकते हैं दोनों का नाम यहाँ पे इस तरह से अपने रजिस्ट्री में आ गया, और बता रहा है कि एक एक इंस्टेंस दोनों के चल रहे हैं, दोनों सर्विसेज के एक एक इंस्टेंस यहाँ पे अभी एक्टिव है करेंटली, कि मतलब इन दोनों को आप रेफर कर सकते हो, और कौन कौन से पोर्ट पे चल रहा है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमने कॉन्फ़िगरेशन बना रखी थी जैसा मैंने बताया था आपको पहले, कि एडिट कॉन्फ़िगरेशन 8082 जो है या 8081 है, इसमें हमने वीएम आर्ग्यूमेंट में, रन कॉन्फ़िगरेशन की वीएम आर्ग्यूमेंट में हमने -d सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल टू 8081 और 8082, इस तरह से 2 कॉन्फ़िगरेशंस हमने इसकी और बनाई है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं मल्टीपल इंस्टेंसेस एक ही सर्विस के, हम इस तरह से चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे किया है। अभी आप देखेंगे ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 इंस्टेंसेस ये बता रहा है 8081 और 8090 पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन्स में भी 2 दिखा रहा है, और इंस्टेंसेस 2 इंस्टेंसेस आर रनिंग करके उसने शो किया था वहाँ पे। अभी देखते हैं शो क्या करता है डिफॉल्ट में। इसका जो एपीआई जो था स्प्रिंग क्लाउड मोंगो का, स्प्रिंग सॉरी स्प्रिंग मोंगो डीबी का, उसमें स्लैश ऑल था, तो वो स्लैश ऑल हमने दिया 8090 स्लैश ऑल 8081 स्लैश ऑल, तो दोनों में ही आप देख पा रहे हैं दोनों ही पोर्ट पे ये एक्टिव है, और दोनों ही पोर्ट पे ये हम आपको शो कर पा रहे हैं कि डेटा दे रहा है ये स्लैश ऑल करने पे। ठीक है, सिमिलरली टाइम लिफ्ट पे भी, अभी टाइम लिफ्ट 8089 पोर्ट पे चल रहा है, उसको भी हम देखते हैं, तो उस पे भी ये हमको शो करना चाहिए डेटा। अभी देखिए मेरी आदत ऐसी पड़ चुकी है कि सीधा कुछ भी कहीं नहीं दिखता है तो मैं पोर्ट वगैरह देखने के लिए भी कॉन्सोल में आता हूँ, तो जो यूजर इनिशियली हमने एनिमेशन में दिखाया था वो मैं ही हूँ। ठीक है, तो मेरे जैसों के लिए ही ये नेमिंग सर्वर वाली टेक्नोलॉजी है, कि भाई आप जाके एम्बेडेड सर्वर को देखो, उसको खंगालो, उसकी बजाय आप सर्वर रन कर रहे हैं, तो आप उस सर्वर यूआई पे जाके आप आराम से वहाँ पे अपने रजिस्टर को चेक करो, और
वहीं से उसको लोड करो, बार बार ये पीछे आके देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब फंसेगा तब लॉक्स फंसेंगे तब उसमें देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी 8089 पे हम एक बार इसको भी चालू करते हैं। ओके, इसका 8089 है, तो 8089 पे हमारा थाइम लीफ स्लैश जो एप्लीकेशन नेम है उससे हमने दिया था, तो वो भी हमारा शो हो रहा है। अगर आपको हमारे, और इसी के साथ आज का ट्यूटोरियल यहीं पे एंड ख़त्म हो रहा है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सीखें, क्योंकि ये सारे सेशंस जो हैं सिखाने के लिए हैं। ठीक है, आप स्प्रिंग सीखेंगे और अपना ज्ञान वर्धन करेंगे और उसका आप आगे यूज़ भी कर पाएंगे प्रोजेक्ट्स में। हम जितना छोटा हो सके बनाने की कोशिश कर रहे हैं इनको, तो आप इनको बना सकते हैं। अभी हम इसको 8082 पोर्ट नंबर को भी अप करने जा रहे हैं, तो अभी आप देखिए तीन सर्विसेज बीच वाले API की, एक सर्विस लेफ्ट की, एक सर्विस राइट की, तो टोटल पांच सर्विसेज अभी रन कर रही हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन सर्विसेज शो हो रही हैं। ठीक है, तीनों पोर्ट दिखा रहा है और टाइम लीफ वाले के लिए एक पोर्ट दिखा रहा है, तो वही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमें अपना समर्थन व्यक्त करें, अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि उससे हमको प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाना चाहेंगे भविष्य में भी। और आप क्या चाहते हैं वह भी हमें फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो वही तो यही है आज का सेशन, और इसी के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोरोना संकट की इस घड़ी में घर पे रहें, सुरक्षित रहें और जीवन का पूर्ण आनंद लेने का प्रयास करें एवं सकारात्मकता बनाए रखें।